नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विनर्स एजुकेशन पॉइंट चैनल में। और आज के लिए जो मैं आज का जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है एमपीपीएससी मेंस के 3 मार्कर पार्ट 1 है ये, जिसके तहत मैं आपके लिए 6 3 मार्कर लेकर आऊँगी, जिसमें है विथ आंसर कि आपको कैसे आंसर्स लिखना है, कितना आंसर लिखना है और आपको उसमें क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। ये है पेपर 2 का, सोशल का जो पेपर होता है जिसका कंटेंट आसानी से बुक्स वगैरह में नहीं मिलता है, सामाजिक न्याय का पेपर है। तो चलिए हम इस श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है डीवीटी। डीवीटी में हमें 3 मार्कर में कितना लिखना है ये मैं आपको इसमें बताऊंगी। सबसे पहले डीवीटी क्या है, इसका हमें अगर कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार का आता है तो हमें उसका फुल फॉर्म लिखना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इसके बारे में हमें लिखना पड़ेगा कि एक ऐसा तंत्र जिसके माध्यम से सब्सिडी या अन्य सहायता राशि लाभार्थी के खाते में सीधे ट्रांसफ़र कर दी जाती है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 2011-12 में। और इसके क्षेत्र क्या क्या हैं, इसके क्षेत्र हैं बीमा, उर्वरक, रसोई गैस इत्यादि। और इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं, वित्तीय समावेशन, लीकेज में कमी इत्यादि। इसमें आपने कितने 5 पॉइंट दे दिए, आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, 4 पॉइंट भी दे सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। पहला तो आपको ये इसका फुल फॉर्म लिखना ही पड़ेगा। इसके बाद ये क्या है, ऐसा तंत्र जिसके माध्यम से सब्सिडी अन्य सहायता राशि लाभार्थी के खाते में सीधे ट्रांसफ़र कर दी जाती है, शुरुआत कब हुई, क्षेत्र और इसके लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीवी मुक्त भारत। टीवी मुक्त भारत तो ये क्या है, इसका लक्ष्य, टीवी मुक्त भारत का लक्ष्य, देखिए भारत का लक्ष्य 2025 तक टीवी मुक्त किया जाएगा और वैश्विक लक्ष्य 2023। अब हमें इसमें एक हम ये एडिशनल पॉइंट डाल सकते हैं कि टीवी का वाहक कौन सा जीवाणु होता है। टीवी का जीवाणु होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और इसके लिए देखिए टीवी मुक्त भारत के लिए भारत द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं, तो सबसे पहले इसके लिए प्रयास किए गए थे टीवी नियंत्रण कार्यक्रम 1962 में लाया गया, फिर डॉट्स का प्रचार प्रसार, BCG का टीका और जन जागरूकता कार्यक्रम। तो आप इसमें इतने पॉइंट डाल सकते हैं। देखिए सभी प्रकार के क्वेश्चन को एक ही तरीके से नहीं लिखा जा सकता, सब क्वेश्चंस को लिखने का अलग अलग तरीका रहता है। फिर है एक नेक्स्ट क्वेश्चन, सहयोगी चिकित्सा के भाग कौन कौन से हैं। तो सहयोगी चिकित्सा क्या होती है, देखिए अस्पताल में मुख्य डॉक्टर के अलावा, अस्पताल में मुख्य डॉक्टर के अलावा जो अन्य सेवा प्रदाता होते हैं वह सहयोगी चिकित्सा कहलाती है। फर्स्ट है इसके अंतर्गत और कौन कौन से लोग आते हैं, मुख्य डॉक्टर के अलावा लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, CT स्कैन, नर्स, कंपाउंडर, ऑपरेशनल स्टाफ, सर्जिकल स्टाफ और रिहैबिलिटेशन इकाइयाँ। तो ये सहयोगी चिकित्सा के भाग के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया क्या है। हाइड्रोफोबिया तो हमें इसमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा ये एक मानसिक विकार है। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, इसके लक्षण होते हैं उल्टी, जी मितलाना, बुखार, पानी से डरना, हाइड्रोफोबिया। इसके वाहक कौन कौन से होते हैं, इसके वाहक हैं कुत्ते, बिल्ली आदि। इसमें दोस्तों मुख्यतः क्या होता है, जब कुत्ता हमें काट लेता है तो हमें हर जगह पानी का भ्रम होने लगता है, तो ये एक मानसिक विकार है। कुत्ते, बिल्ली आदि के काटने से रेबीज रोग होता है, रेबीज रोग होने के पश्चात हाइड्रोफोबिया होता है। और इसका उपचार क्या है, इसका उपचार है एंटी रेबीज वैक्सीन। जब भी कोई हमें रोग आता है तो हमें उसमें क्या क्या लिखना है, सबसे पहले वह किस प्रकार का है, उसके लक्षण क्या क्या है, वाक क्या क्या है, उसको उपचार क्या क्या हो सकती है, ये 4 पॉइंट हमें डालने ही डालने होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइजोफ्रेनिया ये क्या है। तो दोस्तों ये भी एक मानसिक विकार है, इसमें हमने फर्स्ट पॉइंट डाल दिया। सेकेंड पॉइंट हम क्या डालेंगे, इसके लक्षण क्या क्या हैं। लक्षण है व्यक्ति की सोचने, विचारने, निर्णयन की क्षमता प्रभावित होती है, मानसिक विकार है चूंकि ये। और इसमें व्यक्ति अपने आप अकेला रहने लगता है, उसको विभिन्न प्रकार की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, परछाइयाँ दिखाई देने लगती हैं और स्वयं को चोट पहुँचाने लगता है। आप इनमें से कुछ टाइम के अकॉर्डिंग जो लक्षण उनको शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन लक्षण ज़रूर लिखने होंगे आपको। और इसका उपचार क्या है, इसका उपचार देखो दोस्तों 2 प्रकार के हैं, एक तो मेडिसन्स और दूसरी काउंसलिंग। जो मानसिक विकार जो रोगी होते हैं उनके लिए काउंसलिंग बहुत अत्यावश्यक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट्स। डॉट्स क्या है, डॉट्स का भी हम सबसे पहले फुल फॉर्म लिखेंगे, डायरेक्टरी ऑब्जर्व्ड शॉर्ट कोर्स। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, तपेदिक के उपचार हेतु एक स्वास्थ्य रणनीति है, ये तपेदिक के उपचार हेतु एक स्वास्थ्य रणनीति है डॉट्स।
और इसको इसके लिए क्या किया जाता है, रोगी को 6-8 महीने का नियमित कोर्स है ये, प्रशिक्षकों के सीधे ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है इसके तहत। और भारत में इसकी जिम्मेदारी क्या है, टीवी उन्मूलन कार्यक्रम 1962 को दी गई थी। तो ये क्या है, हमें डॉट्स में सबसे पहले फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा, फिर क्या है तपेदिक के उपचार के लिए, फिर इसमें क्या होता है, रोगी को 6 से 8 महीने के लिए प्रशिक्षकों के सीधे ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारी 3 मार्कर पसंद आए होंगे, बहुत ही रैंडम उठाए गए हैं, लेकिन ये बहुत IMP हैं मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके पूर्व भी बहुत IMP वीडियोस डाली गई हैं मेंस प्री और अदर करेंट अफेयर्स रिलेटेड, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को विजिट कीजिए और प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच।